करवटे बदलती रहे सारी रात। लालू तुम कितनी बार लाइट ऑन ऑफ कर रहे हो? मैंने गिना नहीं है। लेकिन ये तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे बाबा नींद नहीं आ रही है तो चुपचाप सो जाओ ना। अरे क्या पागल हो जैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही है, फिर सोऊंगा कैसे? लेकिन नींद क्यों नहीं आ रही है? कॉलेज में बहुत काम था क्या? अरे नहीं, कॉलेज में तो मैं आराम से सो गया था। लालू तुम एक काम क्यों नहीं करते? क्या? कॉलेज के प्रिंसिपल से नाइट ड्यूटी क्यों नहीं मांग लेते? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वहाँ तुम चैन से सो सकोगे और यहाँ मैं। लेकिन नाइट ड्यूटी तो सिर्फ वॉचमैन को ही मिलती है। अरे बाबा तो वॉचमैन बन जाओ ना कॉलेज के, लेकिन भगवान के लिए मुझे यहाँ सोने दो। वॉचमैन बन जाओ? क्या टाइम हुआ? ओ हो, अभी तो 6 घंटे बाकी है सुबह होने को। फिर से चलाते हैं। मुझे नींद न आए। लालू! ओ गॉड! प्रोफेसर देशपांडे? प्रोफेसर देशपांडे? क्या है सुशु? सुशु? प्रोफेसर देशपांडे, मैं शीतल हूँ। अरे शीतल जी, आप यहाँ क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मतलब? आप घर नहीं जा रहे हैं? घर? मैं अपने घर पर नहीं हूँ। प्रोफेसर देशपांडे, आप कॉलेज के स्टाफ रूम में हैं और आप सो रहे हैं। ओहो, आई एम सॉरी शीतल जी, आई एम सॉरी। दरअसल बात यह है, कल रात को क्या मुझे नींद ही नहीं आई। लेकिन अभी उठ जाइए, प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। ओए सर, डोंट वरी। यस सर। कल तुम्हें वेकेशन भेज लेनी है 12th स्टैंडर्ड की, मालूम है ना? मालूम है सर, लेकिन वेकेशन में तो स्टूडेंट्स आते ही नहीं सर। कोई बात नहीं, फिर भी तुम्हें आना है, समझे? ये कौन सो रहा है? प्रोफेसर देशपांडे। देशपांडे? देशपांडे कौन है बे? कौन है बे? ओ सॉरी सर। यहाँ क्यों सो रहे? अगर आपकी कैबिन में जगह है तो वहां जाके सो जाता हूँ। सॉरी सर, क्या प्रॉब्लम क्या है? कल रात को मुझे बिल्कुल नींद ही नहीं आई। ठीक है, घर जाओ और सो जाओ। लेकिन मुझे कॉलेज में ही नींद आती है ना। देखो कॉलेज में सिर्फ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तुम नहीं। ओ स्टूडेंट्स, अरे भाई शीतल, आज मुझे कौन से क्लास में लेक्चर लेना है? प्रोफेसर देशपांडे, आज लेक्चर्स नहीं है। क्यों? क्रिसमस वेकेशन शुरू हो गई है। ओह नो, अरे ये कैसा कॉलेज है, कोई मुझे इन्फॉर्म भी नहीं करता कि क्रिसमस वेकेशन शुरू हो गई है। देशपांडे, वेकेशन 2 दिन पहले ही शुरू हो गई और खत्म होने में 15 दिन बाकी है, समझे? जाओ घर जाओ और सो जाओ। लेकिन सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बोलो। मुझे 2 घंटे के लिए कॉलेज में आने की परमिशन दे दीजिए। क्या है, मुझे कॉलेज में ही नींद आती है ना, मैं 2 घंटे के लिए आऊंगा, सो जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा, लास्ट बेंच पर सो जाऊंगा, किसी को परेशानी नहीं होगी। सर एक काम करो, अपने घर के बाहर एक बोर्ड मारो, प्रोफेसर देशपांडे कॉलेज ऑफ आर्ट, तुम्हें घर में नींद आ जाएगी। एक बात बताऊं सर? बोलो। आप बहुत ही वाहियात, घटिया और 3rd ग्रेड जोक्स मारते हैं। अरे आपने मेरी नींद उड़ा दी। शेप, शेप, शेप। लालू तुम कितनी बार करवट बदल रहे हो? मैंने गिना नहीं है। हिलना नहीं बिल्कुल, चुपचाप पड़े रहो। अगर जरा भी हिलोगे ना तो उठाकर फेंक दूंगी नीचे। ओके ओके डार्लिंग, ओके। कुछ नहीं, क्यों? Oh, thank God. मैं तो डर गई थी, तुम इस तरह सो रहे थे जैसे मुर्दा घर में लाश पड़ी हो। ऐसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम्हीं ने तो कहा था हिले तो उठाकर बाहर फेंक दूंगी। लेकिन इतना भी तो स्टिफ होने की जरूरत नहीं है लालू, वरना तुम्हारे कॉलेज स्टूडेंट्स तुम्हें स्टैचू समझकर हार पहनाएंगे। ओके ओके, कोई बात नहीं, सो जाओ। ऑलराइट, ओके। जरा सी फैसिलिटी नहीं दी तो लगे करवट बदलने। अरे कोई पॉलिटिकल लीडर भी इतनी जल्दी करवट नहीं बदलता। ओफो, ये कमबख्त नींद मुझे क्यों नहीं आ रही है? लालू तुम एक काम करो। क्या डार्लिंग? कल से तुम मॉर्निंग वॉक के लिए दूर तक जाया करो, उसे ये होगा कि तुम जल्दी थक जाओगे और जल्दी नींद आ जाएगी। ओके। कहाँ जा रहे हो? मैं हॉल में जाके टीवी देखता हूँ, हो सकता है कोई कॉमेडी सीरियल देख कर मुझे नींद आ जाए। जाओ। ऑलराइट। अरे लालू, लालू क्या कर रहे हो? हाँ सचिन कहता था रात को अच्छी अच्छी एडल्ट फिल्में दिखाते हैं।
क्या कर रहे हैं आप जीजू, रात के 2:30 बजे आप टीवी क्यों देख रहे हो? तो क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। हाँ तो ठीक है, कम से कम वॉल्यूम तो कम कीजिए, अड़ोस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, आपको हमारी इज्जत का ख्याल नहीं? ए, मेरी वजह से तेरी इज्जत को क्या होने लगा? अरे कमाल है, मोहल्ले की सारी लड़कियां जानती है आप मेरे जीजू, और जब भी आपको ऐसी बेवकूफी की हरकत कर बैठे हो ना, अगले दिन वो लड़कियां मेरे साथ घूमने से मना कर देती है। चुप बैठ जा करम, फोन उठा। हाँ ठीक है। हेलो, बोलो। हेलो सचिन। अरे रिचू डार्लिंग, कहो। अरे तुम्हारे घर में इतनी जोर से टीवी कौन देख रहा है? गांव से कोई गवार मेहमान आया हुआ है क्या? गांव से कोई गवार मेहमान नहीं आया, वो तो ऑलरेडी है। एनीवे तुम फिकर मत करो, सो जाओ, हैव अ नाइस ड्रीम। सपने में मुझे जरूर देखना। सपने में तुम्हें देखूंगी तो नाइस ड्रीम कैसे होगा बुद्धू? देखा जीजू, आपकी इस हरकत के वजह से रिचू ने फोन करके पूछा कि टीवी कौन देख रहा है। मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, और तूने आगे क्या कहा वो भी मैंने सुन लिया है। मुझे गंवार कहता है, गुड नाइट। जब भी आधी चड्डी पहनता है इसका दिमाग घूम जाता है, इडियट कहीं का। ओ आई एम लेट फॉर जॉगिंग, 2:30 बज गए। हाय रिचा। अरे देशपांडे अंकल, आप और इस वक्त? अरे देशपांडे, क्या बात है, पांडे मॉर्निंग वॉक के लिए चल रहा है क्या? चलना, ऐश्वर्या तो घर पर नहीं है, टाइम पास हो जाएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया, 3:30 बजने वाले हैं और तू कहता मॉर्निंग वॉक में चलता है? पांडे तू जानता है आजकल मुझे रात को नींद नहीं आती, दिन में ही नींद आती है। अरे तेरे को नींद नहीं आती तो मैं क्या करूं, तेरे को जाना तो अकेला जाना। अरे मैं तो कंपनी के लिए पूछ रहा था पांडे। अच्छा चल, तुझे नहीं चलना है तो मैं रिचा को ले जाऊं। क्या मुझे? देख देशपांडे, तू बहुत इरिटेट कर रहा है, मैंने तेरे साथ में जाने से मना किया तो तू कहता तू मेरी बहन को लेके जाएगा। गुस्सा क्यों करता है, तेरा कोई भाई होता तो भाई को लेके जाता। अरे लेकिन मेरा भाई बहन तेरे साथ जाएगा ही क्यों? जाएगा, तू लगता क्या उसका यार? ओके पांडे ओके, मैं जोशी को पूछता हूँ। राजा लेकिन एक बात याद रखना, तू जिंदगी में कभी मेरी जैसी बॉडी गिडी नहीं बना पाएगा। पांडे के बच्चे ने तो मॉर्निंग वॉक के लिए इनकार कर दिया, अब जोशी को जगाना पड़ेगा। जोशी, रघुनाथ, जोशी। हाँ जोशी। देश पांडे, तुम इस वक्त घर में सब खैरियत तो है ना? सब कुछ ठीक है। अच्छा ये बता, तू क्या कर रहा है? क्या? अरे मैंने पूछा भाई तू क्या कर रहा है, टाइम क्या हुआ है? टाइम तो हुआ 9 बज गए। अब देख वो हो 3:30 बजे। हाँ तो मैं वही कर रहा हूँ जो इस वक्त शरीफ लोग करते हैं। अच्छा एग्जैक्टली क्या कर रहा था? मैं सो रहा था। ओ क्यों, मॉर्निंग वॉक के लिए चल रहा है इस वक्त? हाँ तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? अरे गांव से तेरी माँ आई है क्या? माँ नहीं यार, मेरे डैडी आए हैं और तुमने उन्हें जगा दिया, अब उन्हें गुस्सा आ जाएगा। ए जोशी, मैं तेरे डैडी से मिलके जाऊँ? रात को 3:30 बजे कोई किसी के डैडी को मिलता है क्या? अरे मेरा टाइम पास हो जाएगा। कौन बेवकूफ इतनी रात गया हमें क्या कर रहा है? अच्छा कोई नहीं डैडी, है देशपांडे मेरे बचपन का दोस्त, बचपन में एक बार आपने इसे सीढ़ी से ढकेल दिया था। नमस्ते पिताजी, कैसे हैं आप? अरे चश्मे, जाके घर में सो जा, अभी तो तेरी बचपन की आदत गई नहीं जो तुम्हें कुछ तकलीफ दे रही थी। वैसे पिताजी आप गाँव से मेरे लिए क्या लाए हैं? ये लाया है। बोलो, ये भी मेरी तरह रात को 3:30 बजे जाग रहा है। ए, पिछले जन्म में तू कोई प्रोफेसर था क्या? क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हो बाबा, खाने को दे दो बाबा, खाने। ए, इतनी रात को मैं खाने को कहाँ से लाऊं तेरे लिए? चल जा, सो जा, सो जा। कैसे सो जाऊं, भूख के मारे मुझे नींद नहीं आ रही, खाने को दे दो बाबा। कमाल है, इसे भूख के मारे नींद नहीं आ रही है और यहाँ खा पी के नींद नहीं आ रही है। खा पी के? तुमने क्या क्या खाया बाबा? अरे वो मैं तेरे को क्यों बताऊं? खाने से नहीं, कम से कम सुनने से तो मेरा पेट भरेगा बाबा। चलो बताता हूँ, कल रात को मैंने तंदूरी चिकन खाई, बिरयानी खाई, आलू मटर की सब्जी, 4 पापड़, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, एक्स्ट्रा चटनी, ये सब कुछ खाया, आइसक्रीम भी खाया। ए, मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहा है? नहीं तुम्हारे शक्ल से लगता नहीं, ये सब तुमने कभी देखा भी होगा। क्या बकवास कर रहा है? ये सब मैं रोज खाता हूँ। अच्छा रोज खाते हो, क्या काम करते हो बाबा? अरे मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर? तो ये सब तुम्हें कैसे परवरता है? क्या मतलब? मतलब मैं कल यहाँ पे बैठा था, तुम्हारे जैसा एक प्रोफेसर आया और मेरे थाली में से मेरा ही 2 रुपया उठाया और चला गया। भिखारी कहेगा? ओ प्रोफेसर स्ट्राइक पे होगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, इस एरिया में सोने का नहीं, चलो जाओ। आउट, आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर, इडियट।
ओ, खाली है। ये ढूंढ रहे हो? चल भाग, भिखारी गई हो। हाय सचिन। हाय रिचू। अरे किससे मिलने जा रही हो? अरे इस रास्ते में तुम्हारे अलावा और किससे मिलने जाऊंगी? चुप। I'm sorry, कहो क्या बात है? अरे तुम्हारे जीजू कैसे इंसान है, रात को 3 बजे हमें जगा दिया। क्या कह रही हो? हाँ, और ऊपर से मुझे और मेरे बेअकल के वॉक पे जाने वाले थे। I'm so sorry, रिचू। अरे मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरे जीजू सुधरे नहीं, अब तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं? सचिन तुम अपने जीजू को नींद की गोली क्यों नहीं दे देते हो? नो 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 नो, मेरे जीजू को नींद की गोली, अरे वो चश्मिश माँ चैप्टर है। अगर मैं उन्हें नींद की गोली दे देता हूँ और कल को मैं उनके पास पैसे मांगने जाऊंगा ना, तो वो मुझे गोली दे देंगे। सचिन कुछ करो ना, कल को अगर तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी बीवी को कितनी तकलीफ होगी तुम्हारी जीजू की वजह से। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं उन्हें नींद की गोली देना शुरू कर दूंगा। हाँ, तो फिर ठीक है। तो फिर कब करोगी शादी? कौन, मैं? नारे बाबा, आज सुबह मेरे भैया मुझसे कह रहे थे मैं तुझे कुएं में ढकल दूंगा, लेकिन देश पांडे के घर पे नहीं दूंगा। अच्छा, तो जाओ अपने भैया से पूछ कर आओ वो तुम्हें कौन से कुएं में ढकेलने वाले। क्या तुम ये चाहते हो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली क्या ना, मैं अभी से जाके उस कुएं में बैठ जाता ना, ताकि जब तुम्हारे भैया तुम्हें उस कुएं में ढकेलेंगे ना, तो मैं तुम्हें सचिन तेंदुलकर की तरह कैच कर लूंगा। मुझे तो लगता है हमारा मैच ड्रॉ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे भैया तुम्हारे जीजू का नाम सुनते ऐसे भड़क उठते जैसे अंपायर ने गलत डिसीजन दे दिया। चलो यार जोशी, कैसा आदमी है देश पांडे है, रात के 3 बजे आके जगाता है और कहता मॉर्निंग वॉक पे चलो, नींद का सत्यानाश कर दिया। अरे मेरे पास 3:30 बजे आया था, मेरे डैडी ने उसे मार कर भगा दिया। प्रॉब्लम क्या उसकी? कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इस तरह अगर रोज 3:30 बजे आके हमको जगाएगा तो हमारी तो लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी यार। पांडे जी। हाँ जी। देश पांडे जी आपसे मिलने आए हैं, आइए ना। पांडे जोशी। यहाँ देश पांडे, कैसे आना हुआ? पांडे जोशी, मैं तुम लोगों की माफी मांगने के लिए आया हूँ, कल रात को मेरी वजह से आप लोगों को बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ी। सर मैं आपके लिए चाय लेकर आऊँ? नहीं, चाय नहीं, चाय पीऊंगा तो मेरी नींद उड़ जाएगी। क्या है, मुझे नींद की बीमारी है ना। ओह, ये बहुत खतरनाक बीमारी है मालूम। अच्छा? मेरे अंकल है ना, उनको भी ये बीमारी हुई थी और वो 2 महीने तक लगातार नहीं सो पाए थे मालूम। अच्छा, फिर क्या हुआ मालूम? मर गए। देशपांडे तेरे को ये बीमारी कितने महीने से है? अरे मेरी बीमारी को तो सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं। मतलब 1.5 महीना और भुगतना पड़ेगा। देशपांडे, देशपांडे तुम किसी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? अरे भाई गया था जोशी। फिर क्या कहा उन्होंने? मुझे चेक करते करते डॉक्टर सो गया। क्या है, ये वायरस है ना, जिसके पास बैठता उसे भी ये बीमारी लग जाती है। सुनो, चलो सोने के लिए जगह मिल गई। छोड़ दो मुझे, तुम हमेशा मेरे घर वालों की बेइज्जती करते हो। देखो जानू, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है। क्या, आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे अभी तो करो जानू। तू ऑल इंडिया रेडियो, तू हर वक्त मेरे सामने क्यों आता है? अरे गाना सुनोगे? पांडे। हाँ जोशी। पांडे, देश पांडे के बारे में कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार, ऑफिस में भी कितना बोर किया है? नाटक करता है, दिन भर सोता है, रात को हमको डिस्टर्ब करता है। आपके लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी का मैसेज है। कौन वो आधी दाढ़ी वाला? देखिए। हाँ, वो कह रहे थे आज सोसाइटी का वॉचमैन गांव जा रहा है, इसलिए सोसाइटी के हर एक मेंबर को रोज रात को पहरा देना होगा। हाँ ठीक है, तू जा। अच्छा अच्छा, चलो यार वो दीक्षित को जाके मिलना पड़ेगा। अरे छोड़ना, एक नंबर का टुच्चा आदमी है यार वो। अच्छा? हाँ, सोसाइटी को लूट रहा है यार। क्या कह रहे हो? देखो पता नहीं सोसाइटी को FSI मिला है। हाँ मैंने सुना है, एक बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है 2 फ्लोर ऊपर चढ़ाने का। हाँ, उससे कमीशन खाता है वो यार। ये झूठ है। अरे झूठ नहीं है, सच है, 25% कमीशन खाता है। ये झूठ है। अरे क्या झूठ झूठ लगा रखी है? अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तो फिर कौन बोल रहा है? मैं बोला मैं। अरे दीक्षित नमस्कार। अच्छा तो मैं कमीशन खाता हूँ? कौन सा कमीशन, कैसा कमीशन, किसने बोला? अच्छा नमस्ते। बहुत नमस्ते, आज सोसाइटी में पहरा तुम दोगे। अरे जोशी इसी बात में तो झगड़ा कर रहा था कि पहरा ये देगा। अच्छा नमस्ते। मैंने नहीं बोला, मैं पहरा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मुझे रात को सोने की आदत है। वो नहीं देगा, तुम नहीं दोगे तो फिर सोसाइटी में पहरा कौन देगा? ये देखो, ये देखो क्या है, क्या आज है? का अखबार पढ़ा लिखा है, अपने एरिया में चोरों की एक टोली घूम रही है, इसलिए हमें सोसाइटी में रात भर जाकर पहरा देना होगा। करेक्ट, आप क्यों नहीं पहरा देते? What? Shut up! आप नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, दूसरा आदमी है मेरे पास। कौन है? अपना प्रोफेसर देशपांडे, वैसे भी उसको रात को नींद नहीं आती। Very good. इतना अच्छा वॉच डॉग हमें कहाँ मिलेगा? हमारी सोसाइटी को ऐसे ही वॉचमैन की जरूरत है। What nonsense, Mr. Dikshit.
आई एम एन एजुकेटेड प्रोफेसर और आप चाहते हैं मैं सोसाइटी का वॉचमैन बन जाऊं? देशपांडे यार गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे तो जोशी ने बताया कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आती। अरे नींद नहीं आती तो क्या हुआ, मैं वॉचमैन बन जाऊं? क्या हुआ लालू? अरे ये देखो ना डार्लिंग, सोसाइटी का 2% का सेक्रेटरी जो दो वक्त ठीक से पानी भी नहीं छोड़ता, वो चाहता है कि मैं सोसाइटी का वॉचमैन बन जाऊं। लेकिन मेरा हस्बैंड वॉचमैन क्यों बनेगा? अरे भाई हमारे एरिया में चोरों की टोली घूम रही है। अरे वाह, चोर आकर मेरे हस्बैंड को उठा के ले गए तो मैं नायला कह दूंगा। क्या बोला भाई दाढ़ी? मैं वॉचमैन के बात कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी को नया वॉचमैन ला के दूंगा। नहीं नहीं, मेरा हस्बैंड वॉचमैन नहीं बनेगा। ठीक है तो फिर मैं पांडे के पास जाता हूँ, मैं पांडे को बोलूंगा कि अगर वो सोसाइटी के लिए एक रात के लिए वॉचमैन बनेगा तो मैं नेक्स्ट ईयर उसे सोसाइटी का चेयरमैन बना दूंगा। बनेगा क्या? मेरा लालू आज की रात वॉचमैन बनेगा। ये तुम क्या बकवास कर रही हो डार्लिंग? बन जाओ लालू, वरना ऐश्वर्या का हस्बैंड सोसाइटी का चेयरमैन बन जाएगा। अरे लेकिन तुम मेरी लालू तो, ओके बनता हूँ। क्या हो रहा है जीजू? अरे मैं हेड वॉचमैन हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप सीटी क्यों मारो? सीटी नहीं मारूंगा तो चोर को पता कैसे चलेगा कि यहाँ हेड वॉचमैन बैठा है? देखो ये सोसाइटी वाले सब यही देख रहे हैं, आप प्लीज है ना सीटी मत मारिए। आप एक काम करिए, आप ये डंडा बजाइए। अब तू मुझे सिखाएगा मुझे क्या करना चाहिए? तू जानता है मैं 4 साल तक मिलिट्री में था। वो ठीक है लेकिन सोसाइटी प्लीज। यहाँ से वॉचमैन का डंडा खाना है क्या? अंदर जा। सीटी क्यों बजा रहा है? मैं मर गया हूँ क्या? मैं पहरा दे रहा हूँ हवलदार। तेरे पास बंदूक है? नहीं। पिस्तौल है? नहीं। तो खाली पीली क्यों सीटी बजा रहा है? चोरों को पता चला कि तेरे पास कुछ नहीं है तो आके तुझे ही लूट लेंगे। ओ हवलदार इधर आओ। क्या है? तुम्हारे पास पिस्तौल है? नहीं। तुम्हारे पास बंदूक है? नहीं। तो फिर खाली पीली क्यों ड्यूटी कर रहा है? जाना घर जाके सो जाना। चलिया कहाँ से चले आते हैं, जागते रहो। मिसेस जोशी कहिए। हाँ वो दीदी शायद किचन में है, बिजी है, कुछ जरूरी काम है तो को बुला दूं। हाँ ठीक है। क्या आपके घर में चोरी हुई? बस इतनी सी बात, मैं समझा कि कोई सीरियस बात होगी। ओके इनके घर में चोरी हो गई। दीदी क्यों चिल्ला रहे हो? गुड न्यूज। क्या गुड न्यूज? अरे जोशीले अंकल के घर में चोरी हो गई है। ये गुड न्यूज है? लो मैं समझा ये न्यूज सुनकर आप खुश हो जाओगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। अरे खुश तो मैं तब होती जब ऐश्वर्या के घर चोरी हो जाती। सचिन एक मिनट, पहले ये बताओ ये बच्चों के कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? मैं रात भर डिस्को में थी। डिस्को में? वो तो मैं बाद में देख लूंगा, अब आगे बढ़ो। हाँ हमारे घर चोरी हो गई। क्या? कुछ ज्यादा तो नहीं गया ना? नहीं, भाभी की अलमारी में जो गहने थे ना वो सब चोरी हो गए। अरे रे ये तो बहुत बुरा हो गया, अब ऐश्वर्या और गहने खरीदेगी। नहीं वो गहने भाभी के थे ही नहीं। तो फिर किसके थे? वो सब आप ही के थे। क्या मेरे गहने ऐश्वर्या की अलमारी में कैसे गए? पिछले हफ्ते सचिन ने मुझे दिए थे, वो मेरी फ्रेंड की शादी थी ना उसी में पहनने के लिए। सॉरी आप। सचिन मैं बर्बाद हो गया, मेरे घर पे चोरी हो गई यार, मैं लुट गया यार जोशी। हाय हाय। अरे इतना रो क्यों रहा है? अरे चोरी हो गई, सारे कपड़े चुरा के ले गए। अरे तो इसमें इतना रोने की क्या बात है, चोर कपड़े ही उठा के लेके गए, कपड़े में तू तो नहीं था ना? अरे तो मेरे भी घर में हुई है। अच्छा हाँ, क्या क्या चुरा लिया? सब कुछ उठा के लेके गए, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन। और तू शोर भी मचा रहा है? अरे बीवी को तो नहीं उठा के लेके गए? अरे लेकिन इतना सारा सामान तो लेके चले गए। अरे जब तक बीवी सलामत है सारी चीजें वापस आ जाएगी। वो कैसे? उसी ने लाई थी मायके से, फिर जाएगी मांगने। क्या बात है, आप लोग इतने परेशान क्यों? अरे जोशी के घर में भी चोरी हो गई। अरे इनकी घर की क्या बात करे, हमारे घर को छोड़ के बाकी सबके घर में चोरी हो गई। ऐसा क्यों? हमारे घर में चुराने के लायक कुछ भी नहीं है। लेकिन रात को ड्यूटी पे कौन था? जीजू। वो कहाँ है? वो देखो ड्यूटी बजा रहे। अरे देश पांडे मैंने फ्लैट में चोरी हो गया और तू आराम से सो रहा है? अरे सुने तो कितने दिनों हो गए बाद मुझे अच्छी नींद आई है। अरे लेकिन सोसाइटी ने तुम्हें वॉचमैन बनाया ना, हाल ड्यूटी देने की बजाय तू सो रहा है। मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना पांडे। क्या क्या है? मुझे ड्यूटी पर ही नींद आती है। अरे